तक चलिएगा और ये आपको दिखाएंगे आखिर तक। चलिए कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मोहनलाल सुखाड़िया MLSU गार्डन में और हम आपको दिखाएंगे यहाँ के किस प्रकार के पौधे और किस प्रकार की विधि से यहाँ पर जो हैं शानदार पौधे और गार्डन लगाए गए हैं। जैसा कि कैमरामैन ने बताया कि यहाँ पर कैसे भी मन वाले लोग आते हैं तो वो एक बार शांति पा लेते हैं और एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस गार्डन का नाम दिखाऊँगा मैं आपको। ये पीछे लिखा हुआ है श्री मोहनलाल सुखाड़िया गार्डन, MLSU यूनिवर्सिटी, काफ़ी बढ़िया है और उसी का ये गार्डन है। हालांकि ये उस यूनिवर्सिटी में नहीं है, अलग से है, लेकिन इसको मोहनलाल सुखाड़िया हरियाली के नाम से जाना जाता है। पीछे शानदार ही गार्डन और लॉन लगाए हुए, बहुत ही बड़ा लॉन है जो है सिटी के सेंटर के बीच में। यहाँ पर है जो बंद पड़े हैं हेरिटेज है वगैरह सब कुछ, और ये हैं शानदार घास, एकदम जो रेगिस्तान में ब्रूट घास होती है उसी के समान है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर कांटे नहीं है। एक ये अलग ही विदेशी घास है जो हमारे यहाँ पर नहीं पाई जाती, इसे संभाल कर उगाया जाता है। पीछे शानदार बिल्डिंग है, ये पीछे है जो लेक सिटी मॉल है और लेक सिटी मॉल के पीछे ये गार्डन है और शानदार व्यूज है। एक बार सिटी के बीच में भरे वातावरण से दूर यहाँ पर एकदम शांति का अनुभव, वहाँ बीच में उधर से जा रहा हाईवे, और ये है मोहनलाल सुखाड़िया जी का समाधि स्थल। यहाँ पर उनका समाधि स्थल है और उनकी आगे उनकी पत्नी का समाधि स्थल है, वहाँ ले चलेंगे आपको। समाधि स्थल में क्या खास है थोड़ा देखते हैं इधर का भी व्यू। बहुत ही शानदार पौधे लगाए गए हैं, बाकी यहाँ पर पैर मंडाए गए हैं, मतलब डिजाइन किए गए हैं, पता नहीं किसके पैर हैं। और यहाँ शानदार गार्डन के पीछे व्यूज़ और टाइलें और टाइलों के बीच में लगाया गया एकदम रॉक गार्डन की तरह। ये इंग्लिश शैली में लगाया गया गार्डन है, इसमें सभी प्रकार के फूल पौधे पत्थर वगैरह सभी को सजावट किया जाता है। ये भी एक प्रकार की कला होती है जो कि एक अलग इसमें पेटेंट आदमी ही करते हैं। ये शानदार पुष्प है, ये पुष्प देखिए बहुत ही शानदार और इतने प्यारे एकदम खिले हुए, तोड़ने का मन नहीं करता है। फिर भी लोग यहाँ पर आते हैं और कुछ पल निकालते हैं तो वो उनके लिए बेहद ही बढ़िया और बेहतरीन निकलते हैं। ये पीछे भवन है जो कि एक खाली है, और आप देखते हैं गार्डन में कभी कभी कई बार भवन बने हुए होते हैं, ये भवन ऐसे ही नहीं होते हैं, ये गार्डन की कला में एक प्रकार का पार्ट रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों तरफ एक बीच में भवन होगा, दोनों तरफ समान प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जैसा कि आप मतलब किसी भी गार्डन में देखेंगे जो कि किसी विधि या शैली से बनाया गया हो। इसे आर्किटेक्टों द्वारा मॉडिफाइड किया जाता है और बाद में जैसी भी शैली में बनाना हो उस शैली के आधार पर, भारत में अभी तक 3-4 शैली से प्रसिद्ध है गार्डन बनाए जाते हैं। मुगल शैली जो कि पुरानी है और ताजमहल गार्डन मुगल शैली में बनाया हुआ है, बाकी नॉर्मल गार्डन रॉक या फिर आर्बोरियन कल्चर से बनाए जाते हैं। शानदार व्यूज, पीछे पौधे लगाए गए हैं और लोग बैठे हैं, बस मन की बातें शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, बाकी तो आप समझ गए होंगे। और ध्रुव बहुत ठंडी है, मैं भी शूज खोल के मतलब आया हूँ तो बहुत ही ठंडी लग रही है और बहुत ही शानदार व्यूज आ रहे हैं। कैमरा भी काफ़ी क्लियरिटी दे रहा है हरियाली को देख के, और शानदार पीछे ये बनाया हुआ है एकदम चार दीवार का और उस पर लगाए हुए हैं शानदार फूल। और ये है नीम, नीम यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छी तरीके से पौधे हैं। और बीच में ये लगाए गए लेंटस जो कि शाम को समय में ऑन होते हैं तो शहर को एक बेहद ही अलग रौनक देते हैं जो कि काफ़ी सफिशियंट होती है। पीछे ये पाम के पौधे बड़े बड़े, उधर चाय की टपरी वगैरह, और पीछे है लेक सिटी मॉल, चलते हैं उधर। और टहलने के लिए बनाई गई है बाउंड्री, लोग घूम रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं। और हाँ, वो आपको दिखानी थी मोहनलाल सुखाड़िया की पत्नी की स्मृति, तो वो है इधर हो रही इधर समाधि, मोहनलाल सुखाड़िया की पत्नी की समाधि में कुछ खास नहीं है, उल्टा बनाया हुआ है और उसके चारों तरफ लगाए गए पौधे।
और गार्डन का मेन पॉइंट है, जिस पर ये मेन पॉइंट है गार्डन का, और यहीं पे मैं जा रहा हूँ अब। और भी कई तरीके के फूल है जो आपको देखने लायक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसा कि आप ये देखिए, शानदार पौधे, मतलब सुकून कैमरे में वीडियो देखने से भी मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ आओगे तो आपको अलग ही महसूस होगा, कुछ फील होगा आपको। ये एकदम झाड़ीदार पौधा है, लेकिन बहुत ही स्मूथ है। इस पर आप कांटे नहीं है, बहुत ही स्मूथ पत्तियाँ हैं, और मांचल टमाटर के तना होता है ना, उसी के समान। और यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी पानी पकड़ने वाली है, दोमट है, बलुई दोमट नहीं है। और दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है सब प्रकार के पौधों के लिए। और पीछे यहाँ लोग करवा रहे हैं फोटोशूट, और फिर आपको क्या दिखाएं और व्यूज। चलें गार्डन के नीचे की तरफ, वहाँ पर बहुत ही शानदार व्यूज आएंगे। पीछे ये इस प्रकार गार्डन, और आगे ये पानी पानी वाले क्या कहते हैं, सैमसंग का व्लॉग, हाँ व्लॉग बन रहा है। और यहाँ पर पीछे एक और ये बनाए हुए फुहारे वहारे लगा के, इनका नाम है यार कुछ भूल गया मैं, ऐसे ये यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के झाड़ी वगैरह सब पौधे वौधे लगाए गए हैं। ये पौधा अभी सुषुप्तावस्था में है, मतलब डोरमेंसी में चला गया है। डोरमेंसी का मतलब पत्तियाँ सब झड़ गई हैं, कोई है तो सूख गया। अब नॉर्मल से इस पर है पौधे पत्तियाँ, और ये एक तरह की घास है, और यहाँ पर कांटे पाए जाते हैं घास के किनारे किनारे। और भी इधर शानदार गार्डन, लोग बैठे हैं और भी उधर की साइड। और ये है कैक्टस, इस पर कांटे हैं, इस पर शानदार फूल आते हैं, फूल इसके बहुत देखने लायक होते हैं, बाकी तो काम का कुछ है नहीं। और मैं अब फूल की बात आ गई है तो एक शानदार फूलों का पौधा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार फूलों का पौधा, कोमल कोमल फूल अभी लगे हुए हैं, देखने लायक दृश्य। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर स्वर्णिम मंदिर है बनाए हुए, बहुत ही शानदार गार्डन, और उधर ओपन जिम वगैरह सब कुछ, वहीं लोग टहलते हैं। और इधर और लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्रेमियों का। चलते हैं ऊपर, और अभी यहाँ पर ये और आगे हैं व्लॉगर्स, इनके साथ निकलेंगे, हाँ निकलेंगे अगले व्लॉग के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे व्लॉग के साथ, बिल्कुल श्रवण जी का चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, इसको 10 रुपये दिए थे अभी तभी, तो मिलते हैं 10 मिनट बाद अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और सभी व्लॉग देखते रहिएगा, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, घंटा दबा दीजिएगा ताकि आप अगला वीडियो बिल्कुल मिस ना कर पाएँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, एंड बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।